नमस्कार, मैं आकाश जाधव। कुछ अपडेट मुझे एग्ज़ाम के डेट के बारे में देने थे। कुछ अपडेट मेरे पास आए थे, वही अपडेट मैं आपको शेयर कराना चाहता हूँ। सबसे पहले सेंट्रल बैंक की जो एडवर्टीजमेंट थी, जो आई थिंक स्केल 3 स्केल 4 के लिए आई थी, उसकी रिक्रूटमेंट या उसकी एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है 4 मार्च को। उसके अलावा सेंट्रल सिल्क बोर्ड की एग्ज़ाम 18 और 19 मार्च को हो सकती है। बैंक ऑफ इंडिया का PGDBF, इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे, ये वाली एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है 19th ऑफ मार्च को। MP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की एग्ज़ाम शायद एक काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट MP में है, ये 25 मार्च से आगे 25, 26, 27, 28 ऐसे अलग अलग स्लॉट में शायद एग्ज़ाम हो सकती है। उसके अलावा IDBI बैंक के अभी जो 600 असिस्टेंट मैनेजर की एग्जामिनेशन आई है, वो एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है 16th अप्रैल को। सो ये अलग अलग एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है। इसके बाद मुझे और भी कुछ अपडेट देने थे अबाउट RBI ग्रेड भी, RBI असिस्टेंट, ESIC के बारे में, उसके अलावा एक दो और अपडेट मैंने दिया था ECG CPO के बारे में, उसमें से कुछ एक दो अपडेट आना बाकी है, तो जैसे ही वो वाला अपडेट आ जाता है मैं उसके लिए एक तुरंत वीडियो आपके सामने लाके पेश करता हूँ। वो अपडेट आने के बाद वो वाला वीडियो आपके सामने रखता हूँ तुरंत के लिए। दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड डेट्स, इसमें इसके पहले भी चेंजेस हुए हैं, इसके बाद भी चेंजेस हो सकते हैं, बट फिलहाल आप ये वाले एग्जाम डेट्स को टारगेट करते हुए आपकी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू रख सकते हो। धन्यवाद।